हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसी शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया, टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है और ये गेट 2019 कंप्यूटर साइंस में आया था। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट किया था और सही आंसर बताया था। और ये क्वेश्चन इजी है। जिन लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर लेक्चर बनाया हूँ, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी मतलब आसान एकदम क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए सेम लोकेशन, ठीक है। टू कार हैं जो सेम टाइम सेम लोकेशन से स्टार्ट करती है, गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लोकेशन है, एक कार इधर जा रही है, दूसरी कार भी सेम जा रही है, ठीक है। कार वन और ये कार टू मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। आगे क्या बोला गया, इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 50 किलोमीटर, फर्स्ट कार की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, द नंबर ऑफ आवर इट टेक फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार इज टू बी 20 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस, कितने टाइम बाद इन दोनों के बीच का जो गैप होगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया आपसे, कितना टाइम के बाद, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है गेट के लिए 5-स्टार टॉपिक है, ये कभी स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर साल 3 या 4 क्वेश्चन गेट में आते हैं, सारे ब्रांच को मिक्स कर दिया जाए तो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप गेट के लिए सीरियस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस कभी भी मिस करना मत। अब इसके कॉन्सेप्ट समझ कर जाना, इजी क्वेश्चन आता है, देखो आपके सामने अभी सॉल्व कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में भी एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का सॉल्व करेंगे, वो भी इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं, इसको मिस मत करना। देखो बोला गया क्वेश्चन में कि एक कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला है कितने देर बाद इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर गैप हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं, बिना ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये जो है पहली जो कार है 1 आवर में कितना जाएगी, 50 किलोमीटर जाएगी 1 आवर में, दूसरी वाली कितनी जाएगी 60 किलोमीटर, इन दोनों का गैप कितना बचेगा, 10 किलोमीटर का हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि एक घंटे में ये 10 किलोमीटर आगे रहेगी, वो 10 किलोमीटर क्या रहेगी पीछे, 10 किलोमीटर आगे रहेगी, 10 किलोमीटर इससे ये पीछे रहेगी। तो ये गैप हमको 20 किलोमीटर करना है, 1 आवर में 10 किलोमीटर गैप है, तो 20 किलोमीटर गैप कितने देर में होगा, 2 आवर में होगा, ठीक है। 2 आवर में आंसर क्या हो गया, सिंपली आंसर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंपल। आप ऐसे सोचो कि ये 2 आवर में कितना जाएगा, 100 किलोमीटर, दूसरा वाला 2 आवर में कितना जाएगा, 120 किलोमीटर, इन दोनों गैप कितना होगा, 20 किलोमीटर। तो यही तो पूछा है कितने देर में, तो 2 आवर में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। ऐसा अगर सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लकी हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कभी छोड़ नहीं थे, स्किप नहीं कर सकते। और टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन मोस्टली ईजी ही आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे इसको डील करना है, एकदम ईजी क्वेश्चन, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है, ये भी गेट 2019 में आईएन ब्रांच में आया था, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही बेस्ड है। और मैं चाहता हूँ कि सबका आंसर आना चाहिए, सब लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से जुड़ जाएँ, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम पर हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और सारे फेसबुक पेज ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने से आपको ये फ़ायदा होता है कि हमारे ये यूट्यूब पे कोई भी अपडेट होता है तो वहाँ भी अपडेट किया जाता है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करने से होगा जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।